ट इज अ टैंक ऑफ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड क्यूबिक मीटर कैपेसिटी इज बींग फिल्ड विद वाटर द डिलेवरी ऑफ द पॉम्प डिस्चार्जिंग दैंक इज ट्वेंटी मोर दैन द डिलीवरी ऑफ द पॉम्प फिलिंग द सेम टैंक एज ए रिजल्ट ट्वेल्व मिनट्स मोर टाइम इज नीडेड टू फिल द टैंक दैन टू डिस्चार्ज इट डिटर्माइन द डिलीवरी ऑफ द पॉम्प डिस्चार्जिंग द टैंक मान लो ये टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है थर्टी क्यूबिक मीटर इसमें दो पंप यूज़ करे गए हैं एक फिल करने के लिए और एक डिस्चार्ज करने के लिए और कह रहा है कि जो डिस्चार्जिंग पंप है उसकी कैपेसिटी फिलिंग पंप से 20 परसेंट हायर है तो 20 परसेंट हायर होने का क्या मतलब है वन बाई फाइव हायर होने का से सोनो दैट इम्प्लाई अगर फिलिंग की कैपेसिटी फाइव है तो डिस्चार्ज की कैपेसिटी क्या होगी सिक्स वन ज़्यादा है फाइव में तो अगर फिलिंग की कैपेसिटी फाइव है तो डिस्चार्ज की कैपेसिटी हमें क्या मिल गई सिक्स तो ये तो रहा इफ़िशेंसी अगर ये इफिशियंसी है तो टाइम इसका क्या होगा जस्ट रिवर्स तो टाइम हमें क्या लगेगा सिक्स और फाइव में इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है वन मिनट का से एसोन हो बट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ट्वेल्व मिनट्स मोर टाइम इज नीडेड टू फिल द टैंक देन टू डिस्चार्ज इट दैट इम्प्लाई ये जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए ट्वेल्व मिनट्स का होना चाहिए तो अगर हम दोनों इस दोनों अमाउंट में ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू कितना आएगा सेवेंटी टू मिनट्स और ये वैल्यू कितना आएगा सिक्सटी मिनट्स सेन हो तो डिस्चार्ज करने का टाइम 60 मिनट्स मिला और फिल करने का टाइम क्या है 72 मिनट्स तो हमें टाइम कितना लगेगा उनके लिए हम क्या लिखेंगे टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना है 36 क्यूबिक मीटर 60 मिनट तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 60 तो दैट इम्प्लाई 60 क्यूबिक पर मिनट सो आंसर हमारा कौन सा होगा सी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो